लेकर के माफी लगता है, इतना फौज लेकर के आए, कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग का जगह दीजिए रहने के लिए, तब ना हटेंगे। জনোৱা হ'ল যে দহ মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মূল্যৱান বস্তুসমূহ বাহিৰত ওলাবলৈ আদেশ দিয়া হ'ল আৰু কণ্টেক্ট সময়ৰ পিছতে আমাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব। जमीन देने चाहिए, हमारा यही निवेदन है। आप लोग से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन, पब्लिक से निवेदन है कि इसको लोग थोड़ा जमीन दीजिए। जब सरकार तुरा है, सरकारी घर भी तुरा है, तो इस लोग को जमीन देने चाहिए, कहीं देने चाहिए सरकार को। हम यही नमस्कार करता है बार बार कि सरकार कुछ हो, इन लोग को जमीन बैठाने चाहिए। जैसे घर तुरा है वैसे घर इन लोग को बना के थोड़ा जमीन देने चाहिए, यही सुविधा कुछ देने चाहिए। यही हमारा आप लोग से निवेदन है सरकार से, जहाँ भी हो कोना कोना सबको नमस्कार करता है। बाकी सबको यही ये लोग का 70-80 वर्ष से है, हम लोग जानते हैं लोग का बाप दादा बुढ़ा यहाँ हो गया है। बाकी ये लोग का कुछ निशाब करिए, कहाँ छोटा छोटा बच्चा लेके जाएगा, बेचारी ठंडा पंडा दिन है, कहाँ लेके जाएगा, कहाँ रहेगा लोग, कहाँ तिरपाल आने तो नहीं है तो सरकार ये जमीन छोड़ दीजिए सरकारी, ये बेचारी तिरपाल तान के रहेगा। बाकी रास्ता बंद करिए, यही हमारा निवेदन है सरकार से। हम हाथ जोड़ के बोलता है साहेब इसको निशाब करिए, कुछ ही लोग दीजिए, यही हमारा निवेदन है आप लोग से। 100 लोग है यहाँ पे, 100 लोग का एवेक्शन किया गया है। अगर ये 100 लोग का ना माटी है, ना बाड़ी है, ना कोई रोजगार है, ना कोई नौकरी है, अगर ये लोग खाएगा कैसे, रहेगा कैसे, कोई लोग कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अभी पूरा ये तोड़ दिया इन लोग का, अभी रहने का जगह नहीं है, ये लोग सड़क पे आ गए। और दूसरा बात ये है कि आपका मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का जो सिचुएशन चल रहा है कि हम लोग का भारत में, हम लोग का भारतीय हो के भी हम लोग का कोई जगह नहीं मिल रहा, ना गवर्नमेंट हम लोग का ये सपोर्ट कर रहा है, ना कोई जगह दे रहा है। मान लीजिए कि हिंदी भाषी हो के अगर भारत में ही जगह नहीं मिलेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अगर हम लोग का सारा जगह से अवेक्शन ही होते रहेगा तो हम लोग फिर रहेंगे कहाँ पे, जाएंगे कहाँ पे, खाएंगे क्या? ना हम लोग का कमाने का कोई साधन है, ना कोई नौकरी मिल रहा है, ना कोई कुछ मिल रहा है, तो फिर हम लोग का हुआ कैसे? अब ये लोग तो देखिए कम से कम 100 लोग से काफी है, ये जितना घर पड़ा है कम से कम 12-13 घर पड़ा है, 12-13 घर में कम से कम 100 लोग है। 100 लोग अभी रोड पे आ गया पूरे डायरेक्ट, लोग कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, लोग खाने का एक टाइम का है ना कुछ, सब रोड पे रहेगा। अभी तो कोई उपाय नहीं है, यहाँ पे तो ना लोग पार्टी है, कभी ना कहीं पैसे बनाएगा, ना पैसा है, गरीब दुखिया आदमी है, कुछ लोग का होने वाला नहीं है। सरकार को इसको सोचना चाहिए कम से कम, ठीक है अब एक कुछ भी हो माटी का, लेकिन थोड़ा समय देना चाहिए था कि ठीक है तुम लोग अपना ये कर लो, उसके बाद हम लोग तोड़ेंगे। लेकिन समय नहीं दिया, डायरेक्ट आया लोग, एक बार नोटिस दिया, दो बार दिया, उसके बाद डायरेक्ट तोड़ दिया, लोग गया सुनवाई की सुनवाई नहीं, ना उससे ऑर्डर मिला है ना कुछ मिला है। एक तो ऑर्डर के लिए लोग गया था, लेकिन कोई ऐसा सुनवाई नहीं, खाली एक बार नोटिस आया है, बस एक बार आया है नोटिस। और क्या बोले, यहाँ पे देखिए ये हाल हो गया कि जैसे ऐसा हाल होगा तो हम लोग हिंदी भाषी भारत में हम लोग का रहना ही मुश्किल हो जाएगा। अभी सरकार से कुछ गुजारिश करेंगे? सरकार से गुजारिश करेंगे कम से कम ऐसे गरीब दुखिया लोग का ऐसे आवेक्शन ना करे। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।